क्रिकेट के बारे में दिलचस्प और तहलका का खेस इनके जो इससे पहले यकीन आपने नहीं सुने होंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रिकेट जिसे बरे सगीर में इतनी मकबूलियत हासिल हुई की शायद ही किसी और खेल को ये शहरत नसीब हुई हो ये खेल बरे सगीर में कैसे शुरू हुआ और किसने इसे बरे सगीर में मुतारफ़ करवाया आइये जानते हैं नाजरीन सोलवी सदी के आखिर में क्रिकेट की इब्त बरतानिया में हुई जबकि मुल्की सतह पर खेल का दर्जा इसे अठारहवीं सदी में मिला तब से लेकर अब तक क्रिकेट सिर्फ बरतानिया और इसके मातहत मुल्कों में ही खेला जाता है गो के अब ये ममालिक बरतानिया की गुलामी से आजाद हो चुके हैं लेकिन चूँकि जहनी गुलामी से आजाद न होने के सबब अभी भी इन चंद ममालिक लोग क्रिकेट से जुनून की हद तक लगाव रखते हैं जबकि आलमी सतह पर क्रिकेट के गैर मकबूल होने का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है की दो सदियाँ गुजरने के बावजूद क्रिकेट को आलमी पजीराई न मिलने के सब इसे अभी तक ओलम्पिक्स में शामिल नहीं किया जा सका इसकी एक वजह यह भी है की क्रिकेट की मकबूलियत गिनती के चंद ममालिक ही महदूद है जिन्हें बसानी उंगलियों पर गिना जा सकता है दुनिया में इस वक्त एक सौ पिचानवे ममालिक एक दर्जन ममालिक क्रिकेट खेलते नजर आते हैं नाजरीन आप ये बात जानकर हैरान होंगे की दुनिया की अक्सर आवाम की जानब ऐसी तस्वर ही नहीं किया जाता क्यूँकी पूरे ब्रजम शुमाली और जनूबी अमरीका के तमाम ममालिक में ये सिर्फ वेस्ट इंडीज जैसे पसमांदा मुल्क में ही खेला जाता है इसके अलावा ये अमरीका के किसी मुल्क में मकबूलियत नहीं रखता फिर सबसे बढ़कर रूस चीन अमेरिका फ्रांस जर्मनी और इटली जैसे बड़े ममालिक में भी क्रिकेट दीगर खेलों की नस्बत नौजवानों को ज्यादा मुतासर भी नहीं कर सका बल्कि बादलिक और उनकी आवाम तो इस खेल से ही बेजार नजर आते हैं यूरोप की बात की जाए तो पूरे यूरोप में सिर्फ इंग्लैंड में ही ये खेल खेला जाता है और वो भी इसलिए की इंग्लैंड ने ही क्रिकेट को ईजाद किया था और इंग्लैंड के उमरा वज्रा इसे अपनी तफरी के लिए खेला करते थे और बरतानिया ने ही इसे अपने मातहत यानी गुलाम मुल्कों में इसे फरोख दिया जैसा की एशिया में महज बरे सगीर में ही क्रिकेट खेली जाती है क्यूँकी बरे सगीर बरतानिया की गुलामी में तवील अरसे तक रह चुका है इसके बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है न्यूजीलैंड भी अमरीका की गुलामी में रह चुका है और ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क तो आज भी सल्तनत बरतानिया का गुलाम समझा जाता है नाजरीन इसीलिए क्रिकेट के मद्दाह भी उन्हीं पाए जाते हैं जो बरतानवी गुलामी में रह चुके हैं गर्ज जितने भी क्रिकेट खेलते हैं या जिन में क्रिकेट के शायक पाए जाते हैं वो सब कभी न कभी बरतानिया की गुलामी में रह चुके हैं और बदकिस्मती से गुलामी का ये तो क्रिकेट की शक्ल में आज भी इन ममालिक गले में पड़ा हुआ है जबकि दूसरी तरफ आजाद ममालिक और उनके अवाम ना तो ये खेल खेलते हैं और ना ही इसे खेल समझते हैं बल्कि काफी ऐसे ममालिक हैं जो माजी में बरतानिया की गुलामी में रहने के बावजूद जब बरतानिया से आजाद हुए तो उन्होंने ये तह कर लिया था की जिन लोगों ने हमें अपना गुलाम बनाया है हम उनके रूल ऑफ रेगुलेशन को कभी भी अपने मुल्क में नाफिज नहीं करेंगे इसीलिए उन्होंने क्रिकेट जैसे खेल ऐसी बेजारी का इजहार किया और आज तक इन ममालिक्रिकेट को पसंद नहीं करती बल्कि ऐसी सख्त नफरत करती है बरतानवी हु ने अपनी तफरी के लिए और अपने मातहत लोगों की तोहिन और तहकीर के लिए क्रिकेट को हिंदुस्तान में मुतार करवाया अपने अच्छे हथकंडों को इस्तेमाल करते हुए बरे सखीर की अवाम की तजलील करने के लिए यहाँ की आवाम को क्रिकेट खेलने पर मजबूर किया जाता था अंग्रेज अपने मातहतों की तहकीर और तजलील के लिए क्रिकेट का इस्तेमाल किया करते थे ये बात इतनी भी पुरानी नहीं हुई है तारीख का इल्म रखने वाले अच्छी तरह से जानते हैं और जो नहीं जानते वो इंडियन फिल्म लगान देख कर बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं इस फिल्म की कहानी हकैक पर मबनी है की किस तरह बरे सखीर के लोगों को क्रिकेट खेलने पर मजबूर किया जाता था लेकिन अफसोस के साथ जो कौमें तारीख भुला देती है वो इसी तरह जिल्लत और पस्ती में मुबतला रहती नाजरीन बात यहीं पर खत्म नहीं होती बल्कि बरे सखीर के गरीब ममालिक एक बड़ी तादाद से भी नीचे जिंदगी गुजारती है जिन ममालिक को पीने के साफ पानी से लेकर हस्पताल और तालीम की बुनियादी जरूरिया महरूम दिखाई देती है यहाँ क्रिकेट के इदारे आरोप महाना अरबों रूपए खर्च किए जाते हैं हमारे मुल्क की मिसाल ही ले लें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चीफ सेलेक्टर और हेड कोच की महाना तनख्वाह बत्तीस लाख रूपए है पी में इकतीस डायरेक्टर और जनरल मैनेजर है जिनकी तनख्वाही दस ऐसी पंद्रह लाख रूपए फीकस हैं टीम के खिलाड़ी खिलाड़ियों के लिए पांच कोचेज़ हैं जिनकी सैलरी बीस लाख रुपए है और तो और खिलाड़ियों की बात करें तो कैप्टन समेत ए कैटेगरी के, के खिलाड़ियों की तनखा फी खिलाड़ी साठ लाख रुपए है जबकि कैटेगरी बी के खिलाड़ियों की तनख्वाह पैंतालीस लाख रुपए है और कैटेगरी सी में आने वालों की तनख्वाह सत्रह लाख रुपए है जबकि मैच फीस इसके अलावा है इसके साथ साथ इनकी मराहत अलग से है नाजरीन आप खुद बताए की ऐसा मुल्क जो कर्जों की दलदल में सर से लेकर पाओ तक डूबा हुआ हो जिसकी गरीब आवाम गुरबत ऐसी तंग आकर आए दिन खुदकुशियाँ करती हो उस मुल्क के अवाम का पेट काट काट कर क्रिकेट आरोप अरबों रूपए खर्च कर देना सरासर जुल्म नहीं तो और क्या है लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो आपको मालूम होगा की क्रिकेट आरोप अरबों रुपए जया करने में कसूरवार अवाम ही नजर आती है अगर हमारी क्रिकेट को इतनी अहमियत ही ना दे तो क्रिकेट की अहमियत खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी आसान अल्फाज में बात यह है कि जिन क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं लेती वहाँ की हुकूमतें ना तो क्रिकेट टीमें बनाती हैं और ना ही उन पर अरबों रुपए खर्च करती हैं ग़ुलामी से निकलें और आज़ाद कौमों की सोच अपनाएं इस तरह की मजीद वीडियोज देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेलाइकन को प्रेस कर दें शुक्रिया